नमस्कार साथियों, मैं हूं आसकन सिंह और आप जुड़े हैं डेल्ट स्टॉर्म के फेसबुक पेज से। पोखरण के राजमथई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें चोरों ने एक घर में चार लोगों को बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अमूमन हम देखते हैं कि चोर या तो सुने मकान में या फिर सन्नाटे में चोरियाँ करते हैं, लेकिन इस चोरी की घटना में जिस प्रकार से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, वो एक बहुत ही बड़ी शोचनीय विषय है। इसमें चोरों ने घर में जितने भी सदस्य मौजूद थे, उन सभी को बंधक बनाया और उसके बाद में उस घर से चोरी करके वहाँ से फरार हो गए। इससे आसपास के क्षेत्र में और लोगों में आक्रोश है कि अगर इस तरीके से चोरियाँ होनी शुरू हो गई तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। कभी भी किसी के भी घर में घुसकर उनको बंधक बनाकर आसानी से चोरी करके लोग चले जाएंगे। इससे इसको लेकर वहाँ के लोगों में बड़ा ही आक्रोश है। ये घटना जो है पोखरण के बनियाना उपखंड के राजमथई गांव की है, जहाँ पर चोरों ने देवीलाल दर्जी के घर में घुसकर करीब रात्रि के 3 या 4 बजे के करीब की घटना है। उनके घर में उन्हें बंधक बनाकर 15 से 16 तोला सोना चांदी और 2 लाख नकदी थी वो लेकर फरार हो गए और पूरे परिवार को जो है वो बंधक बना लिया गया था। अभी तक पुलिस को इस चोरों की जांच में कुछ भी नहीं मिला है, अभी तक उनके हाथ खाली है। लगातार जो है वो पुलिस भी प्रयास कर रही है, परंतु जिस तरीके से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, वो एक बहुत ही बड़ी शोचनीय है। और आसपास के जितने भी लोग हैं उनमें भी भय का माहौल है कि कभी भी किसी के भी घर में घुसकर उसको बंधक बनाकर आसानी से जो चोरी की जा सकती है। सभी ग्रामीणों की, वहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द इस चोरी का खुलासा किया जाए, ताकि आम लोग राहत की सांस ले सके। अगर समय रहते ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जाता है, तो आने वाले दिनों में कई जो है इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल सकती है।